अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये टिपिकल की फ्लेट लॉक मशीन है, ये दो धागे पे बहुत बेहतरीन चल रही है और मैं अभी आपको चला के भी दिखाऊंगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि मशीन को दो निडल से तीन निडल पे किस तरीके से शिफ्ट किया जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी जैसे ये दो धागा इसके अंदर लगा हुआ है और दो निडल लगी हुई है, तो इसके ऊपर अगर मैं इसको चलाता हूँ तो ये आपको इसका सिलाई दिखेगा। सिलाई बिल्कुल सही आ रहा है, साफ़ सुथरा आ रहा है। और अब हमने इसके ऊपर तीन निडल चलाना है, तो तीन निडल कैसे चलेगा और इसकी सेटिंग किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीज़ें मैं बताने की और समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्त यारों और जॉब पार्टनर के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास स्पाइडर है, ये स्पाइडर लगाने से पहले हमने इसकी तीन निडल की जो सिलाई है वो झक्कास तरीके से निकालना होगा कि कोई स्कीप वगैरह ना आए और कुछ भी ना आए। तो हम इसको तीन निडल पे रेडी करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये 11 नंबर की हमारी निडल है, इसको हमने सेंटर वाले पे सेट कर लेना है। दोनों निडल जो पहले लगा हुआ था वो भी 11 नंबर ही का लगा हुआ है, तो इसका निडल स्क्रू यानी कि निकल के फेंका गया है या किसी ने निकाल लिया है, तो निडल स्क्रू इसमें नया लगाना होगा। दोस्तों मशीन हमने तीन धागे पे रेडी कर लिया है, ये आपको तीनों सिलाई नज़र आ रहा होगा और ये नीचे का सिलाई है। तो दोस्तों अभी हम जब इस पे दो निडल पे इसको चला रहे थे, ये दो निडल पे जब ये चल रहा था, इसका नीचे का सिलाई कुछ इस तरीके का था, साफ साफ। और अभी आप इन दोनों में फ़र्क कर सकते हैं कि ये सिलाई बिल्कुल साफ़ नहीं आ रहा और ये वाला सिलाई साफ़ आ रहा। तो हमने क्या चेंज किया, सिर्फ निडल एक इजाफा किया। तो इसको हम किस तरीके से सेट करेंगे ये सेट करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम धागा खींच के देखेंगे यहाँ से कि धागा हमारा जो है वो ज़्यादा लूज़ या टाइट तो नहीं है। तो एक धागा हमने खींच के देखा, बीच वाले को भी हम ऐसे ही खींच के देखेंगे और अंदाज़ा करेंगे कि दोनों तीनों धागा एक जैसा टाइट है या नहीं। तो ये तीसरा धागा भी ऐसे यहाँ से पकड़ के आप खींच के देख लीजिए सरसरी तरीके से कि ये तीनों धागा नॉर्मल टाइट है। और ये जो हमारा पहला धागा है ये वाला, इसको हल्का सा हम टाइट करेंगे, इसको हम टाइट करेंगे, ये थोड़ा सा लूज़ नज़र आ रहा है। अभी हमने टाइट किया, टाइट करने के बाद फिर हम चला के चेक करेंगे। अब हम फिर पीछे की सिलाई चेक करेंगे, पीछे की सिलाई अभी भी हमारी साफ नहीं आ रही है। तो अभी एक चीज़ हमें ये नज़र आ रहा है कि इसका टाका बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम टाका छोटा करेंगे क्योंकि दो निडल पे चल रही होती है हेम वगैरह पे, तो बड़ा टाका चल जाता है। लेकिन हम पाँच धागे पर जब सेट करेंगे तो इतना बड़ा टाका नहीं चलेगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मशीन का टाका छोटा करना है। मशीन का टाका कैसे छोटा होगा, तो ये बटन दिया हुआ है, इस बटन को हम ऐसे पुश करके रखेंगे और व्हील घुमाएंगे, ऐसे व्हील घुमाएंगे बटन जाके फंस जाएगा अंदर। पहले तो हल्का सा पुश होकर रहेगा, जब वो अपने सांचे पे जाके बैठेगा तो बटन हमारा फंस जाएगा। फिर व्हील को हमने आगे की तरफ घुमाना है, यानी कि जहाँ जिस साइड पे मोटर इसको घुमा रहा होता है इसको हमने आगे की तरफ घुमाना है, तो हमारा टाका छोटा हो जाएगा। अब हमने टाका छोटा कर लिया और हम इसको चला के देख लेंगे। ये हमने दोबारा इसको ऐसे चला के देखना है कि हमारा टाका जो है छोटा हुआ या नहीं हुआ। तो अभी भी तकरीबन थोड़ा सा छोटा हुआ है, ज़्यादा छोटा नहीं हुआ है। अब हम यहाँ से इसके दो जगह से टाका छोटा बड़ा करने का होता है, तो हमने यहाँ से भी इसके टाके को छोटा कर लेना है। इधर से हम इसको लूज़ करते जाएंगे तो टाका हमारा छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो ये हमारी तीन निडल की सिलाई है इसको हमने बिल्कुल साफ़ कर लेना है। जब तक का ये साफ़ नहीं होगा हमारा स्पाइडर सही नहीं काम करेगा, अगर हम स्पाइडर इसके ऊपर लगा देंगे। अभी फिडोक जैसे चल रहा है ये आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये वाला जो फिडोक है ये कम चल रहा है और ये आगे वाला जो फिडोक है ये ज़्यादा चल रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, ये अलग चल रहा है और ये अलग चल रहा है, इसको दोनों को हम सेम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मशीन का टाका है इस बटन को दबा के और व्हील को राउंड देंगे, ऐसे राउंड देंगे। जब ये बटन हमारा फंस जाएगा तो फिर हमने इसका टाका छोटा कर लेना है। तो ये हमने अभी छोटा किया। दोस्तों हम फिर एक दफ़ा इसको ऐसे चेक कर लेंगे। अभी आपको 19-20 का फ़र्क नज़र आ रहा होगा इसके अंदर, कि पहले ज़्यादा चल रहा था टाका छोटा करने के बाद, अब ये थोड़ा सा कम चल रहा है। तो इसका टाका और हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, जब और छोटा करेंगे तो दोनों फिडोक एक जैसा चलने लगेगा। तो अभी हमने दोनों को एक जैसा तकरीबन, ये अभी ये ज़्यादा छोटा हो गया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये इधर से ऐसे बड़ा कर दिया टाके को हमने, और अब हम इसको चला के चेक करेंगे। दोस्तों मशीन का टाका हमारा छोटा हो गया है, ये एक इंच में कम से कम 9 टाका आ रहा होगा, और सिलाई भी हमारी जो बैक साइड की है ये आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। तो हल्का हल्का हम टाका इसका बड़ा भी कर सकते हैं, जब भी बड़ा करना है टाका दोनों पॉइंट से हमने बड़ा करना है, जो टाका बड़ा करने का और छोटा करने का पॉइंट बना हुआ है दो जगह से, तो दोनों पॉइंट से हमने बड़ा करना है। अभी हल्का सा कम टाका यहाँ से बड़ा कर लेंगे, इस जगह से भी हल्का सा हम बड़ा कर लेंगे ऐसे, फिर हम चला के चेक करेंगे।
अभी हमारा टाका थोड़ा सा बड़ा हो गया है और देखने में ये खूबसूरत भी लग रहा है। तो ये हमारा सही हो गया टाका, और इधर बैक साइड का भी हम टाका चेक कर लेंगे। दोस्तों ये हमारा बैक साइड का टाका है, लेकिन ये जाल ख़राब आ रहा है, ये जाल आपको दिख रहा होगा, ये सही नहीं आ रहा, इसको हम सही करेंगे। इसके हम टाइमिंग को एक दफ़ा देख लेंगे कि इसके लूपर के नोक में धार वगैरह तो नहीं है कहीं पे, अगर धार वगैरह होगा तो तब भी ये मसला आता है, तो हम उस धार को ख़त्म करेंगे। दोस्तों इसका बूड और ये बेस प्लेट जो है हमारा, इसको हम हटा लेंगे ताकि हमें टाइमिंग नज़र आ सके। जब टाइमिंग हमारा सही नज़र आएगा तो हमें समझ में आएगा कि आगे करना क्या है। दोस्तों इसके नोक पर हम ऐसे हाथ फेर के देखेंगे कि कहीं हमारा नाखून फंस तो नहीं रहा है, और अगर आपको कहीं पे लग रहा हो कि नाखून फंस रहा है तो आपने बारीक वाला रेगमाल ले लेना, जो पेपर रेगमाल है उससे इसके नोक के धार को ख़त्म कर लेना है। तो हल्का हल्का मेरा नाखून है वो अटक रहा है, तो इसको हम धार से ख़त्म कर लेंगे, और धार ख़त्म करने के बाद हम इसका टाइमिंग भी देख लेंगे कि टाइमिंग इसका तीनों निडल पे एक जैसा सही आ रहा है नहीं आ रहा है, और अगर हमें ये चीज़ सही नज़र आया तो फिर हम इसको बंद करके चला के चेक करेंगे। दोस्तों ये तीन निडल पे सिलाई सेट करने का तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो धार अभी ख़त्म है और अब हम इसका टाइमिंग भी देख लेते हैं। तो व्हील हमने ऐसे घुमाना है और घुमा के ये हमारा पहला निडल, दूसरा निडल और ये तीसरा निडल, तीनों निडल के ऊपर टाइमिंग तो हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रहा है, तो हम इसको बंद करते हैं, हो सकता है खाली धार का मसला हो। दोस्तों इसका ये बेस प्लेट लगाते वक्त हमने तीनों निडल का सेंटर चेक कर लेना है, तीनों निडल का एक जैसा सेंटर होना चाहिए कि प्लेट के सुराख के अंदर जब ये निडल जा रहा हो तो कहीं पे ये टकरे नहीं और बिल्कुल सेंटर से, सुराख के बिल्कुल सेंटर से अंदर चला जाए। तो हमने बूट भी लगा लेना है, बूट लगा के फिर इसकी सिलाई निकाल लेते हैं। दोस्तों मशीन का हमने बूट वगैरह प्लेट वगैरह लगा लिया, इसको चला के फिर देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारी सिलाई आ रही है और अभी भी ये सही नहीं है। दोस्तों हमने धागे की सेटिंग वगैरह कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी ये इस तरीके का सिलाई निकाल रहा है। तो हम अभी इसका ये केम जो है, इसका लूपर थ्रेड केम, उसको थोड़ा सा यानी कि आगे की तरफ करेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे। तो इसके अंदर दो नंबर की एलकी का स्क्रू होता है, बाजू में ढाई नंबर की एलकी का स्क्रू होता है। तो हमने इसको लूज़ कर लेना दोनों स्क्रू को, दो स्क्रू लगा हुआ था इसके अंदर, और व्हील को रिवर्स साइड में घुमाना है। तो एक स्क्रू मैंने पहले लूज़ कर लिया था और दूसरा मैंने लूज़ करके उसके व्हील को उल्टा घुमा के और फिर इसको पी पोजीशन पे ऐसे लाके रोक के हम चेक कर लेंगे केम हमारा और आगे आएगा। तो हमने इसके व्हील के पोजीशन को पी पे लाके ऐसे रोकना है, और रोकने के बाद इसके जो कि टेकअप लीवर जो हमारा लगा हुआ है, लूपर थ्रेड टेकअप लीवर, ये हल्का सा यानी कि ऊपर की तरफ ऐसे होना चाहिए, तो हल्का सा ये और आगे की तरफ आएगा। तो हम इसको फिर दोबारा इसके स्क्रू को लूज़ करेंगे, और लूज़ करके इसके टेकअप लीवर को हम थोड़ा सा और आगे कर लेंगे। तो इसके व्हील को हमने रिवर्स किया और ये आगे की तरफ चला गया, और हमने इसको टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद फिर हम इसके व्हील को पी पे ला के रोकेंगे, और टेकअप अभी हमारा इस पोजीशन पे सही है। तो अब हम चला के चेक कर लेंगे मशीन को। दोस्तों ये हमने मशीन चलाया, अभी तकरीबन सिलाई साफ़ हो गया है, इधर से आपको आगे की तरफ दिखेगा, इस तरफ सिलाई सही नहीं है और इधर अब सही आना शुरू हो गया। और भी हम चला लेंगे ताकि हम बिल्कुल मुतमईन हो जाएं कि हमारा जो मशीन का सिलाई है वो बिल्कुल साफ हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों ये हमारा पहले सिलाई इस तरीके का था, तीन निडल पे, और दो निडल का मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल साफ सिलाई आ रहा था, तीन निडल पे चलाने पे इस तरीके का सिलाई आ रहा था, लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा ये सिलाई क्लियर हो गई है बिल्कुल। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, और अगर कुछ सीखने को मिला है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। एंड अल्लाह हाफिज़।